सत श्री अकाल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में है कुछ टिप्स, वो भी दही से रिलेटेड। विंटर में जब हम दही जमाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आती है, सही से जमती नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी दही जमाने का, और साथ में दही अगर खराब हो गई है, नहीं जम रही है, तो उसे भी ठीक करेंगे, और दही के ऊपर जो पानी आ जाता है ना, उसकी भी मैं आपको टिप दूंगी। तो वीडियो को आप पूरा देखना, एंड तक देखना, तभी आपको ये समझ आए। अच्छी गाढ़ी मलाईदार हलवाई जैसी दही जमाने के लिए ना, मैं आपको बस छोटी छोटी बातें बताऊंगी जिनका हमें बस ख्याल रखना होता है। तो करना क्या है, सबसे पहले लेना है फुल क्रीम मिल्क, इससे दही अच्छी जमेगी। इसको करना है बॉईल। बॉईल आने के बाद गैस को आपने लो मीडियम कर देना है और 3-4 मिनट तक इसको ऐसे ही उबलने देना है, जिससे दूध जो है हल्का सा और थिक हो जाएगा। अब गैस बंद करके ना आप इसको थोड़ा हिला लेना 3-4 बार, जिससे कि इसके ऊपर मलाई ना आए। मलाई आ जाएगी तो इसकी फैट जो है मलाई में हट जाएगी, तो फिर दही अच्छी नहीं जम पाती है। अब इसके थोड़ा ठंडा होने पर आप इसे चेक कर लेना इस तरह से फिंगर डालकर, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा गर्म है, और इतनी गर्म हो कि आप इसमें फिंगर डालें तो एकदम से बाहर ना निकालनी पड़े। 5-6 तक आप काउंटिंग करें तो फिंगर अंदर डिप रह सके। तो इसको बस अब आपने चेक करके इसमें लगाना है खट्टा। खट्टा यानी जामुन। ये लगाने के लिए ना आप इस तरह के डिब्बे वाला जो दही आता है ना, उसका नहीं लगाना। ये केमिकल से जमे होते हैं, इससे अगर आप दही जमाएंगे ना तो दही बहुत ज़्यादा लंबे टाइम में जमती, जल्दी जमती नहीं है। तो अब खट्टा लगाना है तो 2-3 चम्मच तक दही इसमें जाएगी। इसको अच्छी तरह से विस्कर से आपने हिला लेना है, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए दही जो है पूरे दूध में। अब दही को जमाएंगे दो तरीकों से। विंटर में ना दही जमाना थोड़ा सा टफ रहता है, तो मैं आपको दो तरीके बता रही हूँ जो आपको पसंद हो। तो मैंने पहले तरीके के लिए तो देखे कैसरोल लिया है, तो कैसरोल में वैसे तो डायरेक्ट भी दही जमा सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से जमाते हैं ना तो ये जल्दी जमती है और अच्छी जम जाती है। तो ये देखिए मैं कैसरोल में रख रही हूँ, ये किचन टाल रख लेना या न्यूज़पेपर वगैरह रख लेना। तो इसमें दही जमाने के लिए मैं इस बॉक्स में आधा दूध डाल रही हूँ, तो बॉक्स को इसमें डाल देंगे। तो बॉक्स में दही जमाने से फ़ायदा पता क्या है, एक तो ये आराम से कैसरोल से हम निकाल कर फ्रिज में रख सकते हैं, कम जगह घेरता है। दूसरा ये और भी ज़्यादा इसमें हीट रहती है, नीचे हमने टाल वगैरह रख दिया है तो दही अच्छी तरह जम जाती है। तो अब इसको किसी शॉल वगैरह में लपेट कर एक सूखी साफ सी जगह में रख देना, 3-4 घंटों में दही जम जाएगी। दूसरे तरीके के लिए आपने कुकर लेना है। कुकर को गैस पे रख के ना गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, पर कुछ गर्म हो जाए, जैसे प्री हीट हो जाता है ना वैसे हो जाए, 1-2 मिनट रख लेना। उसके बाद इसके अंदर भी किचन टाल ही रख देंगे या न्यूज़पेपर रख देंगे, और इसमें बाकी का जो दूध बचा था ना दूसरे बॉक्स में डाल के इसमें मैंने रख दिया है। वैसे तो देखिए अगर आप ऐसे ही इसको जमने के लिए रख देंगे ना तो भी दही अच्छी तरह जम जाएगी, लेकिन अब ज़्यादा विंटर हो गई है तो मैं इसको भी लपेट रही हूँ। देखिए नीचे एक प्लेट रख दी है, और इसको किसी भी आप शॉल से या टाल से किसी भी मोटे से कपड़े से लपेट के रख देना एक साइड में, तो 3-4 घंटे में इसमें भी दही जम जाएगी। जब तक दही जम रही है मैं आपको एक टिप देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो देखिए कई बार क्या होता है, विंटर में हम दही जमने के लिए रखते हैं और मॉर्निंग में चेक करते हैं दही तो जमी नहीं, ये देखिए आप। तो कारण देखें तो कुछ भी हो सकता है, काफ़ी सारे कारण हैं। हो सकता है इसको अच्छी तरह कवर ना किया हो सकता है खट्टा कम लगाया हो सकता है कि इसको जो हमने खट्टा लगाया है उसमें बैक्टीरिया ही ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब ये तो दही जो है ना दही है ना दूध है, ये किसी भी काम की नहीं है, तो हम सोचते हैं क्या करें, इसको फेंक दें या क्या करें। तो आप इसे बिल्कुल भी नहीं फेंकना, इसका मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा टिप दे रही हूँ। तो देखिए कढ़ाई में मैंने 2 गिलास के करीब पानी गर्म होने रखा है, तो जब पानी अच्छी तरह गर्म हो जाए ना इसमें से धुआं निकलने लगे, इतना गर्म करना है, तो गैस को बंद कर देना। तो इसके अंदर अब ये पतीला रख देंगे, तो पानी इतना होना चाहिए कि जहाँ तक हमने दही रखा है ना जमने वहाँ तक ये डिप हो जाए, बस इसके अंदर ना जाए पतीले के। इसको कवर कर देना और साथ में कढ़ाई को भी कवर कर देना।
10-15 मिनट लगेंगे। अब ये देखें 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो दूध था ना वो जम गया है, दही बिल्कुल तैयार हो गई है। तो इसको अब रख देंगे फ्रिज में, ये सेट हो जाएगी, फिर ये खाने के लिए तैयार हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं, एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जो हम दही जमाते हैं ना तो अक्सर हो जाती है। तो ये देखिए इस तरह की ये है दही, देखिए मैंने जमाई है, ऊपर इसमें पानी सा आ गया है। तो ये नहीं समझ आता कि ये पानी क्यों आ जाता है, तो उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे हिसाब से ये 3 कारण लगते हैं कि जब हम दही जमाते हैं ऊपर पानी आ जाता है। पहला तो मुझे लगता है कि दही जब हम जमाते हैं तो दूध जो है थोड़ा ज़्यादा गर्म रख लेते हैं, जिसमें हम खट्टा लगाते हैं। ज़्यादा गर्म दूध में खट्टा लगाते हैं तो दही तो जम जाती है पर उसके ऊपर इस तरह का पानी आ जाता है। और दूसरा मुझे लगता है कि दही जो हम जमाते हैं पतले दूध में जमाते हैं, टोंड या फिर डबल टोंड दूध में कई बार हम खट्टा लगा कर दही जमाते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम होती है, पानी पानी से ऊपर आता है। और तीसरी प्रॉब्लम मुझे लगती है कि ये हम अगर दही जम जाए और उसको फ्रिज में रखना भूल जाए, काफ़ी देर तक भी दही बाहर ही रखी रहे तो उसमें पानी आ जाता है। ये तीसरी जो प्रॉब्लम है ना ये समर टाइम में ज़्यादा होती है गर्मी के कारण। अगर हम इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखेंगे ना तो ये समस्या फिर नहीं आएगी। तो ये जो दही है जिसमें पानी आया ना ये मैंने इस तरह से जान के जमाई है कि मैं आप लोगों को ये दिखा सकूं। अब तक दही जम चुकी है और इनको मैंने फ्रिज में रख कर सेट भी कर लिया है। पहली वाली ये जो दही है ये हमने कैसरोल में जमाई है, ये देखें कितनी अच्छी जमी है, बिल्कुल भी नीचे पानी नहीं है। और दूसरी वाली दही है ये कुकर में जमी है, ये भी सेम टू सेम जमी है, वो बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। नीचे देखिए बहुत ही अच्छी, बिल्कुल जैसे हलवाई के यहाँ से दही लाते हैं ना बिल्कुल वैसी ही जम जाती हैं ये। और ये दही वो है जिसको हमने अभी ठीक किया है, तो ये देखिए ये भी कितनी अच्छी हो गई है और बहुत ही फर्स्ट क्लास हो गई है, अब आप इसका यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जो ऑल वाला ऑप्शन होता है उसको जरूर प्रेस कर देना। आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।